नमस्कार, ओम शांति। मोहन एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में वेटर था। एक दिन सर्व कर रहा था, अचानक दूसरी टेबल पे नजर गई, चार लोग बैठे थे। चारों कुछ परिचित से लगे। जब उसने गौर से देखा तो ये तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं। चारों को देख के मोहन थोड़ा सा हिचकिचाया भी, ये क्या सोचेंगे मुझे यहाँ पे वेटर देखकर, जाऊं इनके सामने या ना जाऊं, क्योंकि चारों काफी सूट बूट में काफी रईस पर्सनालिटी वाले लग रहे थे। फिर मोहन को याद आया कि मेरी माँ ने कहा था, काम कोई भी छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। मैं वेटरगिरी कर रहा हूँ तो ठीक है ना, चोरी तो नहीं कर रहा, क्योंकि पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी और मोहन 10वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाया था और घर खर्चा चलाना था, इसलिए उसको इस रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करनी पड़ी। वहाँ पे गया क्योंकि उसे ही ऑर्डर लेना था, उसे ही परोसना था। वहाँ गया, उन लोगों ने कहा, ऑर्डर दिया। मोहन ने जाके जो जो ऑर्डर किया था सब कुछ लाया, वहाँ पे रखा। वो झुकी निगाहों से चारों को देख रहा था, लेकिन वो चारों तो अपने मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ बात कर रहे थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे। किसी ने सिर उठा के भी उसे एक बार नहीं देखा। मोहन को थोड़ा दुख भी हुआ कि देखो किस्मत भी कैसी है, ये चारों आज मेरे सामने इतने बड़े आदमी बने और मैं वेटर, लेकिन ये मुझे पहचान भी नहीं पा रहे, जबकि हम पांचों बहुत बहुत अच्छे लंगोटिया यार थे। लेकिन क्या किया जा सकता है, मन में ये भी सोचा चलो अच्छा हुआ, बेइज्जत होने से तो बच गया। उनको लगता कि मैं वेटर हूँ तो उनको भी शर्म आती दोस्त कहने में, और उसने खाना बना परोस दिया, सब उन लोगों ने खा लिया। और कुछ समय के बाद वो चारों के चारों बिना उसकी तरफ देखे उठ के चले गए। मोहन को और जोर का झटका लगा, मन में बहुत दुख हुआ। एक बार तो देख लेते, एक बार तो मेरा नाम पुकार लेते, लेकिन गरीबों का कौन होता है। अमीरों से सब दोस्ती करना चाहते हैं, चढ़ते सूरज को सब सलाम करना चाहते हैं। और ये सोच के वो टेबल साफ करने लगा। टिश्यू पेपर था वो उठा के डस्टबिन में डालने ही वाला था कि देखा उस पर कुछ लिखा है। उसने सोचा कि शायद कोई हिसाब किताब लिखा होगा, तो खोल के देखा पेपर में लिखा था, क्या सोचता है, अबे तेरे को हम नहीं पहचानेंगे क्या, 15 साल बाद देखा है तो क्या तुझे नहीं पहचानेंगे, 15 साल क्या तू 15 जन्म के बाद भी मिलता ना तो भी हम तुझे नहीं भूलते। दोस्त, हमारी औकात तो नहीं है तुझे टिप्स देने की, लेकिन ये बात सोच ले कि तेरी आज यहाँ पे नौकरी का आखिरी दिन है। यहीं पे पास में हमने फैक्ट्री खोली है और फैक्ट्री में कैंटीन भी है, उसका पार्टनर कौन बनेगा, तुझसे अच्छा दोस्त और कौन मिल सकता है, तुझसे अच्छा व्यक्ति कौन मिल सकता है। याद रखना, कल हम गाड़ी लेकर आएंगे और तुझे पूरी कैंटीन संभालना है। तू हमारा वहाँ पर कोई वर्कर नहीं होगा, तू हमारी उसका पार्टनर होगा। और ये पढ़कर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो मैं क्या क्या सोच रहा था उन लोगों के बारे में, एक बार देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं और कुछ नहीं, और उसकी आंखों में आंसू आए और उस टिश्यू पेपर को फोल्ड करके उसने अपने दिल के करीब जो खीसा था, जेब था, उसके अंदर रख लिया और ऊपर देख कर कहने लगा, हे ईश्वर, आज भी इंसानियत जिंदा है। दोस्तों, दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दोस्ती हमेशा पैसे से नहीं, पद से नहीं, पोजीशन से नहीं होती है।
दोस्ती होती है दिल से। चाहे वो सुदामा और कृष्ण की दोस्ती कह लें, तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम भगवान को भी पहचाने, भावना एक अच्छी हो तो उनको भी अपना बना सकते हैं। तो व्यवहार अगर हमारा कुशल है तो कभी भी अपने दोस्तों को हम नहीं भूल सकते। और आप सबसे यही नम्र अनुरोध करूंगी कि अगर आपके दोस्त हैं तो उनकी पद पोजीशन ना देखिए, बल्कि उनके साथ वही व्यवहार रखें, और यही इंसानियत का तकाजा है। आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। इसी के साथ बस इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।